दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेटर, ऑथर, फिलेंथ्रोपिस्ट और साथ ही इन्फोसिस की फॉर्मर चेयरपर्सन और इंडिया की बहुत ही रिनोम्ड पर्सनालिटी सुधा मूर्ति के बारे में। आज इस वीडियो में जानेंगे इनके अर्ली लाइफ करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1950 को हवेरी कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम आर एच कुलकर्णी था जो पेशे से सर्जन थे और इनके माँ का नाम बिमला कुलकर्णी था जो पेशे से स्कूल टीचर है थी। इनका पालन पोषण इनके पेरेंट्स के अलावा इनके नाना नानी ने भी किया। अब बात करें इनके एजुकेशन की, तो इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीवीवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पूरी की और सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स किया कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। अब इनके करियर की बात करें तो ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल इंजीनियर हायर्ड हुई टेलको में। इन्होंने इस कंपनी में एज अ डेवलपमेंट इंजीनियर काम किया और इसके बाद इन्होंने वॉलचंद ग्रुप ज्वाइन किया और बतौर सीनियर सिस्टम एनालिस्ट काम किया। फिर साल 1996 में इन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की स्टार्टिंग की और आज भी इस फाउंडेशन की ट्रस्टी है और चैरिटी करती हैं। इसके अलावा इन्होंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज में क्लासेस भी ली हैं। सुधा मूर्ति जी ने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं जिसमें नॉवेल, नॉन फिक्शनल, टेक्निकल बुक्स भी इंक्लूडेड है। ये इंग्लिश और कनाडा न्यूज़पेपर में कॉलमिनिस्ट भी हैं। सुधा जी को इनके काबिलियत के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जैसे पद्मश्री और पद्म भूषण। अब बात करें इनके पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति से शादी की। दोनों की मुलाकात टेलको में काम करने के दौरान हुई थी। शादी से इनके दो बच्चे हैं, बेटा और बेटी आकाशा मूर्ति, और इनके दामाद जो है ऋषि सुनक, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो रही सुधा मूर्ति जी के जीवन की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू।